नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज, मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी पटना में IGIMS अस्पताल के सफाई कर्मियों ने जमकर हंगामा किया। सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मियों ने जमकर अस्पताल परिषद में कामकाज ठप कर हंगामा करते नजर आए। वहीं गुस्साए सफाई कर्मियों ने डायरेक्टर के पोर्टिको के आगे गंदगी फैला दी। आपको बता दें कि कई महीनों से वेतन नहीं मिलने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। विगत 7 सालों से IGIMS अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल सफाई कर्मियों का कहना है कि कोविड काल में भी लगातार सरकारी कर्मियों के साथ मिलकर योगदान दिया, बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन इसके बकाए वेतन को नहीं दे रहे हैं। डरावा दे रहा कि अब मिलेगा या मिलेगा, देखते देखते बात सुनते सुनते हम लोग अलचार हो गए। हर बाल बच्चा भूखे मर रहा है, बीमारी से मर गया। 4 दिन पहले हमारा भाई मर गया, 22 साल के यही में भर्ती था। 22 साल का भाई मर गया, बोला क्या पैसा देना, पैसा नहीं था, प्राइवेट में नहीं देखा। क्या करते हैं आप लोग? सफाई वाला, सफाई कर्मचारी है। अच्छा। मधुबनी के राजनगर से खबर है, जहां CDPO ऑफिस में निगरानी का छापा पड़ा है। CDPO कार्यालय के डाटा एंट्री ऑपरेटर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ऑपरेटर द्वारा 3300 रुपए किसी काम के एवज में रिश्वत लिया जा रहा था, जहां निगरानी ने उसी दौरान छापा मार रुपए के साथ ऑपरेटर को दबोच लिया और अपने साथ ले गई। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के सिमरी पंचायत के विभिन्न वार्डों में मनरेगा योजना के तहत लाखों रुपए की लागत से बनी पशु शेड, बकरी शेड का जिलाधिकारी कौशल कुमार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को जिलाधिकारी ने गृह प्रवेश भी कराया। वहीं जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि बीते 14 जनवरी को मिशन गृह प्रवेश फेज 1 शुरू किया गया था, जिसके तहत जिले भर में 7336 घर को पूर्ण करके लाभुकों को गृह प्रवेश कराया गया है। 14 जनवरी को हम लोग मिशन गृह प्रवेश फेज 1 शुरू किए थे, जिसके तहत 7336 घर को हम लोग पूर्ण किया थे। उसी दिन डिसीजन हुआ था कि 8 मार्च तक हम लोग गृह प्रवेश फेज 2 शुरू करेंगे, जिसमें अधिक से अधिक लाभुक का घर हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि इस 15 जनवरी से लेकर 8 मार्च तक हम लोग अभी जिला में आज के दिन में 8452 घर कम्प्लीट हुआ है और 8452 लाभुक अपने गृह में प्रवेश आज किए हैं। इसके अलावा मनरेगा के तहत भी बहुत सारे काम हुए थे, तय हुआ था। तो 15 जनवरी से लेकर अभी तक करीब 93 इंडिविजुअल फार्म पॉइंट कंप्लीट हुआ है, 265 पशु सेट कंप्लीट हुआ है। इसमें आप देखें कुछ बेनिफिशियरी को हम लोग हैंडओवर भी किए हैं। बाढ़ कोर्ट में लंबित मुकदमे को पटना ले जाने की आदेश के विरोध में बाढ़ बार एसोसिएशन द्वारा एक दिन के लिए न्यायालय कार्य में सहयोग नहीं करने का ऐलान करते हुए न्यायालय से संबंधित सभी कार्यों को बाधित रखा गया, जिसके कारण बाढ़ कोर्ट में मुकदमे से संबंधित कोई भी कार्य संपन्न नहीं हुआ। वहीं बाढ़ कोर्ट के न्यायालय कार्य में लगे लोगों के सामने भी बेरोजगारी बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बाबत बाढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मृगेंद्र कृष्ण ने कहा है कि जिस काम के लिए पटना में नए दंडाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वही काम बाढ़ में भी संभव है। न्यायालय के कार्य में सहयोग नहीं करने का ऐलान क्यों किया गया आप लोगों के द्वारा? इसलिए कि एक माननीय उच्च न्यायालय के प्रकाशन संख्या 59A दिनांक 30/1/2021 के आलोक में पटना जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना ने अपने कार्यालय आदेश संख्या 12/2021 के द्वारा NI एक्ट के धारा 138 के अंतर्गत लंबित मुकदमे की सुनवाई एवं दाखिल करने हेतु एक विशेष न्यायाधीश, विशेष दंडाधिकारी केंद्रीयकृत रूप से जिला में प्रतिनियुक्त किया गया है। पंचायती राज विभाग के 3 सदस्यीय टीम ने मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड के कटैया के वार्ड संख्या 4 और 5, बनकट्टा में वार्ड संख्या 1 और 2 वार्ड में और साथ ही साथ विशनपुर पंचायत के बगवासा में पहुंच नल जल योजना की जांच की। टीम ने तीनों पंचायतों में स्ट्रक्चर भवन, पाइप फिटिंग, सप्लाई सहित कई बिंदुओं पर जांच की। इसके साथ ही टीम ने सभी प्रकार के पंजियों का भी अवलोकन किया। टीम द्वारा बताया गया है कि पूरे जिले में बेनीपट्टी प्रखंड का हाल सबसे बेहतर है। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।